माँ बाप के लिए एक बेटी का होना क्यों ज़रूरी है। लो दोस्तों, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटे सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसके अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की ओर ले कर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ ही दूर पहुँचे थे कि वहाँ पर दूसरे गाँव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे चार आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि ये आदमी जो मर चुका है, उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते, मैं अर्थी को नहीं आगे जाने दूंगा। मृत व्यक्ति की बेटी ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने अभी कभी इस कर्जे के बारे में हमसे जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो ये कर्ज़ा नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक ना पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी। जब उस तक ये खबर पहुंची तो उसने एक पल भी ना सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वो सारी चीज़ें देते हुए बोली, आप इन चीज़ों को बेचकर पैसे ले लीजिए, अगर कुछ कम पड़ेंगे तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को लेकर सारे गांव वाले दंग रह गए। तभी वो आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था वो बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने ये सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूँ कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी ना उसके बेटे हैं, ना उसका भाई, ना बल्कि उसकी बेटी है, इसलिए ये सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्जे से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटी हो चुकी थी उससे बेटे के भाइयों के और बाकी रिश्तेदारों के सर सर मुझसे झुक गए। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी जरूर हो, क्योंकि उसकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।